सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नमोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नमोट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के बारे में सीखेंगे जिसका नाम सर्ट्रालिन है। यह एक मस्तिष्क पर कार्य करने वाली दवा है जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को ठीक करने का काम करती है। इसी के सिमिलर ग्रुप की कुछ मेडिसिन है जैसे फ्लुक्साटिन और पैरोक्सेटिन, इनके बारे में मैंने सेपरेटली वीडियो बनाई है। यदि आप में से कोई देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, वहाँ पर भी क्लिक करके आप इसके बारे में पूरी जानकारी जान सकते हैं। इस वीडियो में हम सर्ट्रालिन टेबलेट के बारे में जानेंगे किस क्लास से ये दवा बिलोंग करती है, क्या इसकी स्ट्रेंथ मार्केट में अवेलेबल है, मेडिकल स्टोर पर आपको किस नाम से मिल जाती है, साथ ही कितने रुपए में आपको मिलती है, इसके यूज़ क्या क्या है, किन किन बीमारियों में इस दवा को दिया जाता है, इसकी डोज और इसके साइड इफेक्ट को, ये सभी बातें इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको सर्ट्रालिन टेबलेट के बारे में मिल सके। मैं हूँ आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। सर्ट्रालिन एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRI क्लास की एक दवा है। यह सिर्फ और सिर्फ टेबलेट फॉर्म में ही बनाई जाती है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो सर्ट्रालिन टेबलेट आपको 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम तथा 100 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाती है। साथ ही यह शेड्यूल एच की दवा होने के कारण सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पर लेने की आपको सलाह दी जाती है। दोस्तों सर्ट्रालिन, जैसे आपको पता है, दवा का जेनेरिक नाम है, दवा का मूल नाम है, इसे दवा का कंपोजिशन भी कहते हैं। जब आप इस टेबलेट को मेडिकल स्टोर पर खरीदने जाते हैं तो यह आपको अपने जेनेरिक नाम सर्ट्रालिन से मिल जाती है, साथ ही कई दूसरे नामों से मिलती है जिसे हम दवा का ब्रांड नेम कहते हैं। ब्रांड नेम वह नाम होते हैं जो दवा कंपनियों द्वारा दवा को दिए जाते हैं और मेडिकल स्टोर पर उस नाम से दवा मिल जाती है। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम सर्ट्रालिन टेबलेट के बारे हम जान लेते हैं। तो डेक्सिड टेबलेट जो इसके सबसे पॉपुलर ब्रांड है, इसके अलावा सर्टा टेबलेट, SRT टेबलेट, जोलोफ्ट टेबलेट, सर लिफ्ट टेबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड मैंने बताई है। और हो सकता है ये ब्रांड आपके एरिया में किसी अलग नाम से मिल जाए, क्योंकि जो ब्रांड नेम रहती है एरिया और डॉक्टर के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती है। और जो सभी ब्रांड से इनका मूल नाम सर्ट्रालिन नहीं रहता, इसलिए एक ही जगह दूसरी सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो सर्ट्रालिन टेबलेट जो 25 मिलीग्राम की है उसकी एक स्ट्रिप आप जब लेते हैं तो आपको 82 रुपये MRP की मिल जाती है। साथ ही आप 50 मिलीग्राम की जब टेबलेट लेते हैं तो 152 रुपये MRP की, और जो 100 मिलीग्राम की टेबलेट है वो आप 258 रुपये MRP की मिल जाती है। और जो मैंने ब्रांड बताई है ये सर्टा टेबलेट की रेट बताई, और हो सकता है जो दूसरी ब्रांड आप खरीदें कुछ ऊपर नीचे हो, कुछ वेरिएशन आपको मिले, लेकिन जो एवरेज प्राइस रहती है दवा की यही रहती है। दोस्तों प्राइस और इसके ब्रांड नेम जानने के बाद बढ़ लेते हैं वीडियो में इसके यूज़ की तरफ, क्या क्या इसी के यूज़ होते हैं, किन बीमारियों में डॉक्टर द्वारा सर्ट्रालिन टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। इस दवा का जो मुख्यतः प्रयोग है मस्तिष्क संबंधी जो बीमारियां हैं, मानसिक रोग है, उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम उसमें डिप्रेशन आता है जिसे हम हिंदी में अवसाद कहते हैं। इस समय जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति होती है थोड़ी बिगड़ जाती है, वो अपने आत्मसम्मान को कम महसूस करता है, साथ ही जो सुखद पल होते हैं उनमें रुचि नहीं लेता, बिना किसी स्पष्ट कारण के उसके पूरे शरीर में दर्द रहता है, और जो डिप्रेशन के 50% मरीज हैं उनको सुसाइडल थॉट भी आते रहते हैं। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए यह सर्ट्रालिन टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और साथ ही जब डिप्रेशन के पेशेंट को, जो मैनिक डिप्रेशन के पेशेंट, उन्हें जब यह दवा दी जाती है तो उनकी थोड़ी केयर एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, क्योंकि जो सुसाइडल थॉट है वो बढ़ सकते हैं, वो आत्महत्या की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो ये जब दवा दें तो थोड़ा ये टेक केयर आप स्पेशल रखें। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसे OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यह जिसे हम सामान्यतः भाषा में भूलने की बीमारी भी कह सकते हैं, इसमें प्रयोग लिया जाता है। इसमें सामान्यतः व्यक्ति छोटी छोटी बातों को भूल जाता है जो डेली वो करता है, जैसे दरवाजे के लॉक को बार बार चेक करना, गैस के सिलेंडर की नोब को चेक करना, बार बार बैठे बैठे अननेसेसरी काउंटिंग करना, किसी चीज़ों को काउंट करना, ये कुछ ऐसी समस्या व्यक्ति को होती है, तो उस समय यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को एंजाइटी की समस्या है, जिसे हिंदी में हम चिंता कहते हैं, इस कंडीशन में व्यक्ति भविष्य को लेकर चिंता करता रहता है और जिस कारण से उसके कई लक्षणों में चेंजेज होता है, व्यक्ति को चिड़चिड़ापन रहने लग जाता है, बार बार गुस्सा आने लग जाता है, धड़कन उसकी बढ़ जाती है, पसीना आना, ये कुछ समस्या उसको रहती है, तो उस समय यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और एंजाइटी का एक और पार्ट है जिसे हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। इस समय व्यक्ति को सडनली गुस्सा आने लगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जो 3 मिनट से लगाकर 20 मिनट के ड्यूरेशन में शुरू हो जाता है। और इसके अलावा सोशल एंजाइटी नाम की एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति सामाजिक जो फंक्शन होते हैं, जो व्यक्तियों के साथ में खड़ा होकर बातचीत करनी होती है, तो उस समय वो घबराता है, व्यक्तियों के पास जाने से डरता है, तो उस समय भी सर्ट्रालिन टेबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। एक और बीमारी दोस्तों, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम।
यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति एक ऐसी घटना से गुजरता है जिसका उसके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाना जिसमें व्यक्ति मरने से बचता है, इसके अलावा शारीरिक या मानसिक शोषण किसी का होना, तो ऐसी स्थिति की जो छाप है उसके दिमाग पर, उसके दिल पर बैठ जाती है जिससे बार बार उसको याद करके वो डरता रहता है। तो उस स्थिति को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, जिसे ठीक करने के लिए भी यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और यदि कोई महिला है जिसे प्री मेंस्ट्रुअल डिस्ट्रोफिक सिंड्रोम की समस्या हो, मतलब पीरियड्स में आने से पहले उसको कुछ मानसिक समस्या हो, जैसे चिड़चिड़ापन होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बेचैनी से रहना, भूख कम या ज़्यादा लग जाना, ये कुछ समस्या हो, तो उस समय भी सर्टालिन टेबलेट दी जाती है। और यह टेबलेट उस समय भी दी जा सकती है जब लड़की फर्स्ट टाइम पीरियड में आना शुरू होती है, तो शुरुआती एक साल तक उसे ये जो प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम है बहुत ही ज़्यादा महसूस होते हैं, तो उस समय भी थोड़े लंबे समय तक इसको दिया जा सकता है जिससे कि इन समस्याओं से निकाला जा सके। और हो सकता है दोस्तों जो मैंने यूज़ बताए, जो मानसिक स्थिति बताई है, इसके अलावा भी किसी और बीमारी में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से इसका प्रयोग ले। दोस्तों इसके यूज़ को पूरी डिटेल में जानने के बाद अब जान लेते हैं जब ये पेशेंट दवा लेता है तो उसे क्या क्या सावधानी रखनी होती। सबसे पहली जो सावधानी, यदि ये दवा किसी टीनेजर पेशेंट को या किसी वयस्क व्यक्ति को दी जा रही है जो डिप्रेशन का पेशेंट था या किसी भी अदर कंडीशन में दी जा रही है, तो उसका स्पेशल केयर आप करें, क्योंकि जब ये दवा लेता है तो व्यक्ति के दिमाग में सुसाइडल थॉट आते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकता है, ये आप विशेष सावधानी रखनी है। साथ ही जब आप दवा लेते हैं अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, हैवी मशीनरी पर कार्य नहीं करना है, किसी भी हाइट पर कार्य नहीं करना, और फीमेल्स और जो बच्चे होते हैं जब उनको दवा दी जाती है बाइक या स्कूटर के पीछे नहीं बैठा है जिससे कि उनका सिर चकरा कर वो गिर नहीं जाए, ये भी आपको सावधानी रखनी है। और कुछ कंडीशन ऐसी है, कुछ बीमारियां ऐसी है, यदि आप उनसे पीड़ित हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर से बताएं जिससे कि ये दवा नहीं लिखी, कोई और दवा आपको लिखी जा सके। जैसे कोई पेशेंट है जिसको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लिवर डिजीज़ या किडनी डिजीज़ व्यक्ति को हो, ब्लड प्रेशर लो रहता हो, या ब्लीडिंग रिलेटेड कोई समस्या व्यक्ति को हो, या व्यक्ति के ब्लड में सोडियम का जो लेवल है वो कम हो, ये कंडीशन या कोई बीमारी हो, इसके अलावा कोई दूसरी बीमारी हो जो डिजीज हिस्ट्री है, अपने डॉक्टर से जोर से शेयर करें जिससे कि आपको यह दवा नहीं लिख के कोई दूसरी दवा लिखी जा सके। और यदि किसी व्यक्ति ने पास्ट 14 डेज में MAO इनहिबिटर का कंजप्शन किया है, जो कोई दवा ली है जैसे आइसोकार्बाजाइड, लिनेजोलाइड, मिथाइलिन ब्लू इंजेक्शन, तो उन्हें भी यह दवा नहीं दी जाएगी, ये आप विशेष तौर से सावधानियाँ रखें। दोस्तों वीडियो के आगे के पार्ट में हम जान लेते हैं इस दवा के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति को दस्त लगना, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, अपच मतलब इनडाइजेशन व्यक्ति को हो सकता है, चक्कर व्यक्ति को आ सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट उसे हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग होना, और हाथ पांव में नमनेस रहना, ये कुछ इसको कॉमन साइड इफेक्ट की तरफ लग सकता है। और जब लंबे समय तक इस दवा का प्रयोग लेते हैं तो काम वासना में कमी आना, मतलब डिक्रीज लिबिडो, या डिलेड एजुकुलेशन, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इस तरह की कुछ परेशानियां हो सकती है। यदि ये समस्या आपको हो तो इस दवा को आप लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें जिससे कि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके और सर्टालिन टेबलेट की जगह आपको कोई दूसरी टेबलेट दी जा सके। दोस्तों अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं सर्टालिन टेबलेट की क्या डोज रहती है, कितनी मात्रा में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। वैसे तो जो दवा की डोज रहती है पेशेंट की एज, वेट तथा जो डिजीज़ का टाइप है उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। यहाँ हम जान लेते हैं इस दवा की डिप्रेशन, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्ट्रोफिक डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस तथा एंजाइटी में क्या क्या डोज दी जाती है। पहले हम जानते हैं डिप्रेशन तथा प्री मेंस्ट्रुअल डिस्ट्रोफिक डिजीज़ में इसकी क्या डोज दी जाती है। इस समय जो इनिशियल डोज रहती है उस समय 50 मिलीग्राम सर्टालिन टेबलेट दिन में एक बार लेने के लिए सलाह दी जाती है, इसे रात में लेने की सलाह दी जाती है। एक हफ्ते तक इस दवा को दिया जाता है, अगर इंप्रूवमेंट नहीं होता तो डोज को बढ़ाकर इसे कंटिन्यू किया जाता है और मेंटेन थेरेपी के रूप में 50 मिलीग्राम से लगाकर 200 मिलीग्राम सर्टालिन टेबलेट मरीज को दी जाती है। और यह जब भी दी जाएगी तो इसे रात के समय के लेने की सलाह दी जाती है और इस दवा को लंबे समय तक भी ले सकते हैं। और अगर एंजाइटी तथा जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है उसमें डोज की बात की जाए तो इसमें इनिशियल जो डोज रहती है 25 मिलीग्राम सर्टालिन टेबलेट दी जाती है दिन में एक बार रात को सोते समय। और अगर इसका भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो एक हफ्ते बाद में इसकी डोज पेशेंट की नीड के अनुसार बढ़ाई जाती है और मेंटेन थेरेपी के रूप में 50 मिलीग्राम से लगाकर 200 मिलीग्राम सर्टालिन टेबलेट पर रखा जाता है। और हमेशा यह दवा रात को सोते समय दी जाती है जिससे कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जो सावधानियां मैंने इस टेबलेट को बताई है वो आप विशेष तौर से ध्यान रखें, अल्कोहल का सेवन नहीं करें, प्रेग्नेंट वुमन तथा ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ये दवा नहीं दें, हैवी मशीनरी पर काम नहीं करें, हाइट पर काम नहीं करें, जिससे कि इस दवा का जो डिजायरेबल इफेक्ट है जो आपको मिल सके और कोई सभी समस्या होने पर अपने
डॉक्टर से तुरंत से मिले और इस दवा को बिना डॉक्टर की सलाह नहीं ले, क्योंकि एंटीसाइकोटिक मेडिसिन कुछ समस्या आपको कर सकती है। तो दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सेटालिन टेबलेट के बारे में मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से कई नई जानकारी मिली होगी, वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए रेड बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कर दे, जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाए जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले मेरा वीडियो आप मुफ्त में देख सके। आप तो अपने दोस्त मोहित दादी के साथ देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।